आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मिठाई हमने आम से बनाई है। बहुत ही इजी रेसिपी और खाने में बहुत ही मज़ेदार। इसके लिए मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ एक आम काट के, तो बड़े साइज़ का आम था, और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो पीस के ना हमें इसकी प्यूरी बिल्कुल एक कप नाप के करनी है, तो आप बड़े या छोटे कैसे भी आम लें, प्यूरी एक कप होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, और ध्यान रखना है प्यूरी होनी चाहिए, इसमें एक भी आम का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम इसे साइड में रखेंगे, और अब मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप मैदा। मैदे की जगह आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैदा से ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ एक चौथाई कप सूजी, सूजी नहीं है तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे ये मैंगो प्यूरी जो हमने तैयार की थी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवरिंग के लिए, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे, तो आप इसको ना घोल नहीं पाओगे और इसका जो बैटर होता है वो स्मूथ नहीं बनेगा। तो ये देखिए हमारा एकदम स्मूथ सिल्की बैटर तैयार है, और इसमें लगभग मैंने अभी एक कप दूध का इस्तेमाल किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, तब तक चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप शक्कर, साथ में डालेंगे एक कप पानी, इसमें डालेंगे थोड़ी सी केसर। तो केसर डालने से खुशबू भी आएगी और ये चाशनी थोड़ी देखने में भी अच्छी लगेगी। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और फुल पे कर दिया है, और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि शक्कर मेल्ट ना हो जाए। तो लगातार ज़रूर चलाइएगा, नहीं तो शक्कर जो है पैन के बेस पे जाके लग जाएगी और चिपक जाएगी और चाशनी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए इस चाशनी को ना मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट पकाया है, और ये देखिए ये ना स्टिकी हो गई है, पर इसमें कोई भी तार नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह की चाहिए चाशनी हमें। और अभी आपको ये थोड़ी पतली दिख रही होगी, पर जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना ये थिक हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कोई तार नहीं होना चाहिए, हल्की पतली चाशनी होनी चाहिए। तो हम इसे साइड में रखेंगे और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो ये देखिए हमारे बैटर को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको ना अच्छे से 2 से 3 मिनट तक फेंट लेंगे, और जिससे क्या होगा ना इसमें अच्छे से एयर ट्रैप हो जाएगी, और तलते समय हमारे जो पुए हैं बहुत बढ़िया तरीके से फूलेंगे। तो बस एक ही डायरेक्शन में तेज़ी से इसको हम फेंट लेंगे। तो अगर आप इस तरह से फेंटेंगे ना, तो आपको कोई भी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी पतली रखनी है। अगर आपको लगता है कि बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर लें, पर इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। इनको सेकने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, और देखें फ्लैट बॉटम पैन है, और इसमें करीब आधा इंची तेल जो है डाल दिया है मैंने, और तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम किया है। और मैंने एक मेजरिंग कप लिया है, और उससे क्या करेंगे हम छोटे छोटे साइज के इस तरह से पुए डालेंगे। तो ये देखिए आप इसको थोड़ा ऊंचाई से डालेंगे, तो इससे क्या होगा अपने आप ही ये गोल शेप लेता जाएगा। बस हम इनको सेकने देंगे थोड़ी देर, और अब हम एक चम्मच लेंगे और इन पे ना ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा तेल उछाल देंगे, जिससे कि अच्छे से ऊपर से भी थोड़े से सिक सकें। और जो पहले वाले हमने डाले थे ना, इनको हम पलट देंगे, तो ये देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो गए हैं। बस हम इनको निकाल लेंगे, तो आप इसको इस तरह से हल्का सा झाड़ के निकालें, जिससे जो भी तेल इसने अब्सॉर्ब किया होगा वो निकल जाए। और मैं क्या कर रही हूँ ना, इनको एक जाली पे निकाल दे रही हूँ, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल थोड़ा भी बचा है वो भी हमारी जाली पे आ जाए गिर के, और ये खाने में ना ऑयली ना लगे। तो ये देखिए पुए हमारे हल्के से ठंडे हो गए हैं, और चाशनी भी अभी हमारी हल्की सी गर्म है, तो हम इसमें ये पुए डाल देंगे, और बस इनको हमें डाल के छोड़ना नहीं है, नहीं तो ना ये बहुत ज़्यादा चाशनी अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो बस इसको एक दो बार उल्टेंगे पलटेंगे हम, और बस हम इनको निकाल लेंगे। और जिस भी सर्विंग ट्रे पे आपको इसको रखना है, आप इस तरह से रख लें उसको। इसको हम गार्निश कर देंगे थोड़े से बारीक कटे मेवा के साथ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा काजू और बादाम डाल रही हूँ, और इस पे डाल देंगे हम थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते। तो वैसे तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हो, पर मैंने ना यहाँ पर थोड़ी सी रबड़ी बनाई हुई है, अगर आप इसके साथ इसको सर्व करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। और हमारा डेजर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, या फिर आप इसको फ्रिज में रख दो, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो, तब भी खा सकते हो, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो आप